কোথায় যাব? বেরু যাব, বেরু। ও টায়ার্ড হয়ে গিয়া তো ব্যাট গিয়া। बैक टू माई चैनल। सो आज है सैटरडे, सो आज का स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। क्या स्पेशल ब्लॉग? यू कैन सी मेरे पीछे रियो को। तो रियो हमारे घर में आया था, मतलब 5 दिसंबर को। एक्चुअली हमने उसको अडॉप्ट किया था मेरे भाई के किसी फ्रेंड के पास से। तो या तो उसी उसके बाद से हम कभी भी रियो को बाहर लेके नहीं गए थे, मतलब ऐसे यू नो घूमने ऐसे। तो वो कभी दो बार वो चला गया था बाहर। अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखे होंगे तो पता चलेगा, एक दिन तो वो रास्ते में चला गया था, फिर वो डर गया। तो आज मैंने प्लान किया, बिकॉज होता है ना कि मैंने देखा बहुत से डॉग को मतलब बाहर लेके जाना, ये हम नहीं कर पाते बिकॉज रियो को मीन्स पापा नहीं हैंडल कर पाते इतना। तो हम लोग मम्मी तो खरी, बिकॉज मम्मी के हाथ में भी दर्द है और रियो तो बहुत ही शैतान है, तो भागता रहता है, तो उसको कंट्रोल करना इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आज मैंने और मेरे भाई ने प्लान किया कि मैं आज फ्री हूँ, जैसे सैटरडे मेरा ऑफ रहता है, तो सैटरडे को आज मैं और मेरे पापा उसको थोड़ा 1 घंटे के लिए बाहर घूमने लेके जाएंगे। तो हमने एक ऐसे ही ऑटो टाइप बुक किया है, तो उसी ऑटो में हम 1 घंटे उसको घुमाने लेके जाएंगे। तो इसलिए मैं आज सुबह ही आ गई, क्योंकि कुमार कोर्ट के वर्क से वो थोड़ा बाहर गया है, यू नो विशालगढ़ सामने ही एक जगह है, वहाँ पे विशालगढ़ कोर्ट उसका कुछ काम है वहाँ पे। तो आज मैं और पापा भी निकल जाएंगे, 12 बजे का टाइम दिया है हमने, तो अभी निकल जाएंगे। तो रियो को थोड़ा घुमाएंगे सिटी में ऐसे ही यहाँ वहाँ, उसको भी अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएगा। तो यार दैट्स इट, सो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। बने नहीं है मेरे साथ देखने के लिए क्या क्या होता है आज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग कोथाय जाबो? बेरु जाबो, বেরু কোথায় যাব? যাও যাও পাপাকে বলো ড্রেস পরতে, যাও 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 পাপাকে বলো ড্রেস পরতে, যাও 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 ড্রেস পরতে বলো, আমরা বেরু যাব না আজকে, বেরু। গাইস রিও কা এক্সাইটমেন্ট দেখো, মতলব ও লিটারালি উসকো সমঝ মে আ গিয়া কি হাম উসকো ঘুমনে লেকে জায়েঙ্গে। কি যাবো 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 যাবো, পাপা কোথায়? পাপা পাপা কোথায়? পাপা কোথায়? পাপা ডাকো, ডাক দাও, ডাক দাও, যাও যাও। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, को बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, मतलब लेकिन वो इतना एक्साइटेड है ना, मतलब वो इतना हिल रहा है, तो पापा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसको हैंडल करना। तो अभी हम जा रहे हैं अस्मी को सरप्राइज देने, हम नहीं उतरेंगे बस ऐसे, उसका घर रास्ते के साइड में ही है तो रास्ते से उसको बुलाएंगे। तो या बसो 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 बसो, वो टायर्ड हो गया तो बैठ गया। अभी लोग अस्मी के घर जाने वाले थे, लेकिन अस्मी ऑलरेडी ट्यूशन के लिए जा रही थी, तो हमने उसको रास्ते में ही बोला कोथाय जाओ अस्मी, हैं चलिए उनका अच्छे।
কি স্কুল লাই না 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 কি কি ও মা গো না 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 সুষমা কাছে কেন গো ভয় পেয়েছে বুঝে যাও 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 ধানি কে পেয়েছে সাইড নাম্বার দিয়ে পেয়েছে আর আমারও তো ঝোল টোল পড়ে আমার তো ব্যাগও চলো চলো রিগু চলো गाइस मतलब वो इतना रोने लग गया ना क्योंकि उसको लग रहा है कि हम उसको कहीं छोड़ के आ रहे हैं तो मतलब उसको हार्डली हम 15-20 मिनट्स घुमा पाए हैं बिकॉज उसको नहीं रहना था उसको घर जाना था लिटरली उस ही वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग मतलब इतना बुरा लगा ना देखो पापा भी कंट्रोल नहीं कर पाते उसको मतलब उसको घर जाना है बस उसको घर जाना है तो इसलिए समझ के उसको डर लग रहा था बहुत इसलिए नहीं लेके जाएंगे और कभी भी उसको बाहर उसको घर जाना है अरे गाइस लिटरली अर्थात रियो का ये हाल देख के मतलब मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि रियो को लगा कि हम उसको कहीं देखे आ रहे हैं उसको लग रहा है कि हम उसको छोड़ने जा रहे हैं कहीं पे उसको बहुत लिटरली ही वॉज क्राइंग हाँ तो इससे ये पता चला कि हम उसको कहीं कभी बाहर नहीं लेके जाएंगे उसको सिर्फ टेरेस जितना वो जाता था हमेशा घर में ही रहेगा नहीं लेके जाएंगे बाहर उसको बहुत बुरा लगा अभी आके उसके वो मतलब बहुत ही रेस्टलेस हो गया था मतलब उसको बहुत गर्मी लग रही थी या क्या हो रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था हमको तो या अभी वो ठीक हुआ है नॉर्मल हुआ है उसने खाना भी खाया है बस इज ओके नाउ फाइनली अभी मैं थोड़ा टाइम मम्मी के घर रहूँगी दोपहर का खाना यही से मैं यही खाऊँगी तो या गाइस मैंने सुना था कि आज लंच मैं इधर ही करूँगी लेकिन कुमार ऑलरेडी वहाँ से निकल गए हैं सो उन्होंने मुझे कहा कि घर पहुँच जाने के लिए हम लंच वहीं पे कर सो मैं लंच वहीं पे करूँगी तो यहाँ अभी रियो इज नॉर्मल यू कैन सी उसका फिर से स्टार्ट हो गया मतलब रियो रिगू या मैं उसको प्यार से रिगू बुलाती हूँ सो यहाँ भी मैं निकल जाऊँगी पापा को बोल के एंड शाम को तो निकलेंगे तो लेट्स सी आज क्या प्लान होता है आप लोग के साथ शेयर करूंगी या लेट्स गो रियो का देखो गाइस मतलब उसको बहुत भूख लगी तो मम्मी बस प्रिपेयर ही कर रही थी उसके खाना उसको आज मिलेगा चिकन जनरली क्या है ना मतलब मेरे घर में सैटरडे और मंडे को मतलब वेज होता है लेकिन रियो के लिए मम्मी थोड़ा यू नो सैक्रिफाइस करती है सिर्फ रियो के लिए चिकन बनाया गया है रिगू ए रिगू रिगू रियो का खाना चिकन के साथ रियो को बहुत सारे खाने में रेस्ट्रिक्टेड है मतलब वो जैसे कि ग्रेप्स नहीं खा सकता बटर घी फिर मिल्क लेकिन हाँ कर्ड वो खा सकता है उसको कर्ड बहुत पसंद है फिर गार्लिक ऑनियन ये सब वो नहीं खा सकता और मेनली सॉल्ट भी नहीं तो मम्मी जो भी इसके लिए मतलब उसके लिए अलग से खाना मतलब चिकन वगैरह बनाती है एंड चिकन भी मतलब बोनलेस होना चाहिए यू नो तो या जस्ट नाउ मैं भी आई और मेरे पीछे कुमार भी सो गाइस आई एम बैक होम सो करना पड़ेगा अभी ब्लॉग को एंड बिकॉज शाम को कुछ और ब्लॉग होगा तो अगर आपको ये मेरा आज का यू नो आज का मतलब जो एक्साइटमेंट था कि जाने के बाद ये होगा और ये बहुत खुश हो जाएगा पूरा उसका उल्टा हुआ लेकिन चलो ही इज बैक टू हिज नॉर्मल पोजिशन बिकॉज या ही वॉज लास्टली जब मैं उसके बाद किसी का देखा मतलब नॉर्मल हो गया था वो बहुत डर गया था एक्चुअली उसको लग रहा था कि हम उसको कहीं छोड़ के आएंगे तो यार दैट वाज इट फॉर टुडेस ब्लॉग तो अगर आपको ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा डू थम्स अप एंड डू शेयर माय वीडियो विद योर लव्ड वंस
एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो. आप यू कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब किए हो लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर रहे हो शेयर नहीं कर रहे हो, क्या है? प्लीज कुछ करो, कुछ करो, हेल्प मी ग्रो प्लीज. बाय. Stay safe and stay healthy.